से रहना है तो होश में आओ। बेताज सिटी में कल किसी ने कई कार्स में आग लगा दी। कौन है वो दरिंदा? कई जगह कार धू धू करके जल्दी पाई गई। लड्डू सिंह जी, आपको क्या लगता है ऐसी हरकत कौन कर सकता है? यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर जब कोई कार में आग लगाता है तो लोग कहते हैं कि आग मत लगा वरना लड्डू सिंह आ जाएगा और वो मान जाता है। अरे लड्डू सिंह जी, वो सब तो ठीक है मगर अब भी वो गाड़ियों में आग लगाकर चला जा रहा है। शिवा के नाना, आप अपनी कार संभाल कर गैरेज में रखिएगा। तुम चिंता मत करो, मेरी कार गैरेज में सेफ है। तुमको तो हर सिचुएशन में गाना सूझता है। नानी, मैं अपने फ्रेंड्स के पास जा रहा हूँ। बाय। बाय बेटा। समझ में नहीं आ रहा कि कोई एक साथ इतनी सारी कार्स क्यों जलाएगा। पता है, एक बार हमारे गांव में ऐसे ही एक पत्थर मार आ गया था। वो हर किसी को पत्थर मार कर चला जाता था। तब मुझे गुस्सा आया और मैंने ठान लिया कि मैं रात भर पेट्रोलिंग करके उस पत्थर मार को पकड़ लूंगा। एक रात मैंने उस पत्थर मार को किसी को पत्थर मारते हुए देख लिया। तब मैंने स्लो मोशन में एंट्री ली और... पर आदी, तूने स्लो मोशन में एंट्री क्यों ली? अरे, क्योंकि स्लो मोशन में हीरो की एंट्री डैशिंग लगती है। हाँ, तो मैंने स्लो मोशन में एंट्री की और वो फास्ट मोशन में भाग गया। फिर तुम्हारी नींद खुल गई। तुम लोग तो मेरी किसी भी बात का यकीन नहीं करते। आदि की बात में एक बात तो काम की है कि उसने गांव में पेट्रोलिंग करके पत्थर मार को पकड़ा। हम भी शहर में पेट्रोलिंग करके कार बर्निंग मैन की मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। से 50-50 किलोमीटर दूर तक लोग अपनी कार बेफिक्र पार्क कर देते हैं और तुम मेरे ही शहर में कार जलाने की कोशिश कर रहे हो। सर जी, मैं कोई कार जलाने नहीं जा रहा था। मैं तो यहाँ का चौकीदार हूँ। नीचे भी तो देखिए, रात को ठंड बढ़ जाती है ना, इसलिए मैं तो लकड़ी जलाने जा रहा था ताकि आग सेक सकूं। ठीक है ठीक है, तो तुम लकड़ी जला रहे थे। जलाओ जलाओ, हमें भी ठंड लग रही है। जलाओ लकड़ी, जलाओ। यार, पीछे इतनी बड़ी बॉनफायर जल रही है तो इन लकड़ियों को क्यों जलाना चाहिए? वही आग सेकते हैं। वाह 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 वाह, किसी ने ठंड से बचने के लिए ये बॉनफायर लगाया है। चलो चलो वहाँ पर आग सेकते हैं, मुझे भी ठंड लग रही है। ठंड में आग सेकने का अपना ही आनंद है। पेड़ा राम, इस आग की लपटों में कुछ जाना पहचाना शेप लग रहा है ना, है कि नहीं? हाँ सर, मुझे भी लग रहा है जैसे कोई मोटरसाइकिल हो और उसके साथ साइड कार भी अटैच है। शिवा की साइकिल पर हो जाओ सवार। फुल एपिसोड्स के लिए अभी डाउनलोड करो वुडकिड्स ऐप एंड ट्राई फॉर फ्री। बेड़ा राम, मोटरसाइकिल, वो कार बर्निंग मैन हमारी ही मोटरसाइकिल में आग लगा कर चला गया है। वनीला, बाइक बचाओ। अब मैं सबको क्या मुंह दिखाऊंगा।
पुलिस की मोटरसाइकिल जल गई। लड्डू सिंह जी, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हैं? उदास न हूँ तो क्या करूँ? शिवा, वो कार बर्निंग मैन मेरी ही मोटरसाइकिल जलाकर भाग गया। सोचो। लड्डू सिंह जी, आपकी मोटरसाइकिल अभी जली है, तो वो आदमी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मैं देखता हूँ। ये रिपोर्टर्स तो वक्त के बड़े पाबंद हैं। मैंने आज कार बर्निंग के साथ इंटरव्यू देने को कहा था, तो ये सब सुबह सुबह ही आ गए। अब इनको कैसे बताऊं कि अभी तक वो पकड़ में ही नहीं आया। सर, आपने रोड की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मंगाई थी, वो मैं ले आया हूँ, देखिए। रिकॉर्डिंग में तो उसका चेहरा ही नहीं दिख रहा। सोचा था रिकॉर्डिंग में कोई तो क्लू मिल जाएगा, पर अब तो उसको पकड़ने के लिए कोई और प्लान सोचना पड़ेगा। लड्डू सिंह जी, हम लोग चलते हैं, आपको कुछ और जानकारी मिले तो बताइएगा। शिवा, देखो उसके मुंह में कुछ चमक रहा है। हाँ रेवा, लगता है उसका एक दांत सोने का है। हमें सोचना ये है कि वो आदमी कार में आग क्यों लगा रहा है। कोई तो कारण होगा, बिना कारण के कोई आग क्यों लगाएगा। यस शिवा, गांव में जो पत्थर मार था वो भी इसीलिए सबको पत्थर मारता था कि एक रात उसे कोई बड़ा पत्थर मार के गया था और उसका मुंह बुरी तरह जख्मी हो गया था और इसीलिए वो सबसे बदला लेता था। यस, दैट्स द क्लू। यहाँ पर भी कार जलाने वाले का मोटिव बदला लेना हो सकता है। लड्डू सिंह जी, क्या हाल फिलहाल में आपके पास किसी कार के जलने या चोरी होने की कंप्लेंट आई है? कार चोरी होने की कंप्लेंट? एक मिनट शिवा, मुझे याद करने दो। दो 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 दो। यस, हाँ शिवा याद आया। एक महीने पहले एक आदमी ने अपने कार के जलाए जाने की रिपोर्ट लिखवाई थी। मैंने बहुत इन्वेस्टिगेट किया, पर उसकी कार जलाने वाला पकड़ में नहीं आया। उसको कार का बहुत अफसोस था, क्योंकि वो कार उस आदमी ने खुद डिजाइन करके बनाई थी। लड्डू सिंह जी, हमें उस आदमी से मिलने चलना होगा। शिवा की साइकिल पर हो जाओ सवार। फुल एपिसोड्स के लिए अभी डाउनलोड करो वोडकिड्स ऐप एंड ट्राई फॉर फ्री।
इंस्पेक्टर लड्डू सिंह हूँ, कुछ पूछने आया हूँ। उप्स, सॉरी, मुझे लगा तुम लोग आग लगाने आए हो। इंस्पेक्टर साहब, इनकी गलती नहीं है। इनकी कीमती कार में जब से किसी ने आग लगा दी है, तब से इनको ऐसा लगता है कि हर कोई इनके सामान को जलाना चाहता है, इसलिए ये हर समय अपने साथ ये फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं। सॉरी अंकल, पर हम लोग आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। हम तो बस आपसे मिलने और आपको इन्फॉर्म करने आए थे कि शहर में और भी कई जगह कोई कार जला रहा है। अब क्या बताने आए हो? हाँ, मैंने तो इंस्पेक्टर को तभी कहा था कार जलाने वालों को पकड़ो, तब नहीं पकड़ा तो अब देखो वो सबकी कार जला रहा है, किसी की कार नहीं बचेगी, सब जल जाएगी, सब जल जाएगी, सब जल जाएगी, सब जल जाएगी। ओह यस अंकल, लगता है आप ही बदला लेने के लिए सबकी कार जला रहे हैं। आपको इस बारे में क्या कहना है? बच्चे तुम बहुत होशियार हो, लेकिन तब तुम कहाँ थे जब मेरी कार में आग लग गई थी? तब आग लगाने वाले को क्यों नहीं पकड़ा? अगर तुमने उस आदमी को पकड़ लिया होता तो ये दिन नहीं आता। मैं सबकी कार जला दूंगा, वेदा शहर में एक भी कार नहीं बचेगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं बच्चे। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा नाम है मेरा। आओ, अरे आओ, रोको मुझे। मेरी कार नहीं बची तो किसी की नहीं बचेगी। लड्डू सिंह जी, उस दरवाजे को तोड़ दीजिए। ये क्या है? इसने तो पूरे शहर की कार में आग लगाने की प्लानिंग की हुई है। ये देखो, आज की डेट में फूल चौक में आग लगाने का प्लान है। वहाँ तो कार के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स का शोरूम है। जल्दी चलो लड्डू सिंह जी, जल्दी से पकड़िए उसे, वो विंडो से भाग गया। चलो चलो। करता हूं, तुम उसको बचकर जाने मत देना। चल खुल जा, खुल जा, खुल जा, अरे खुल भी जा। लड्डू सिंह जी, पानी बर्बाद हो रहा है, रोकिए। हाँ हाँ हाँ, पेड़ रब, हाँ रोकता हूँ। शिवा की साइकिल पर हो जाओ सवार। फुल एपिसोड्स के लिए अभी डाउनलोड करो वोडकिड्स ऐप एंड ट्राई फॉर फ्री। ओके बच्चे, तुम ऐसे नहीं मानोगे।
कार में चिपक गए हैं अंकल, आप मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। तुम ऐसे नहीं मानोगे, बड़े जिद्दी हो। शिवा, मैं हार गया, तुम जीत गए। अंकल, आप इतने इंटेलिजेंट इंसान हो, एक कार जल गई तो क्या, दूसरी बना लेते। अपनी शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए। तुम ठीक कहते हो शिवा, मैं जेल से वापस आकर एक से एक अच्छी कार बनाऊंगा। यू आर अंडर अरेस्ट। शुक्र मनाओ, मैं फाइट नहीं कर रहा था। मैं होता तो तुम्हारी हड्डी पसली कुछ नहीं बचती।